राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग संगरिया में विभिन्न सड़कों का काम कर रहा है और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की और अच्छी सड़कें बन रही है और हमारे साथ अधिकारीगण आए हुए हैं और हम वार्ता कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी हैं जो अधिशासी अभियंता है सार्वजनिक निर्माण विभाग में। ये कितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है और किस योजना के अंतर्गत हो रहा है? इसमें विगत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई योजना स्कीम चालू की थी जिसके अंदर जो स्वायत्त शासन विभाग है उनकी जो मुख्य सड़कें हैं जो एक कमेटी बनाई गई थी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी जो कमेटी के मेंबर हैं उनके द्वारा कुछ चयनित सड़कों को जो कि शहर की मुख्य सड़कें हैं नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र के अंदर उनके लिए उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराने के लिए एक उन्होंने एक स्कीम पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा पीडब्ल्यूडी शहरी क्षेत्रों में काम कम करती थी और शहरी क्षेत्रों के सहयोग के लिए ये एक एक्स्ट्रा सरकार की बिल्कुल जो नगर पालिका नगर परिषद है उनके खुद के रिसोर्सेज कम हैं इसको देखते हुए सरकार ने एक योजना चालू की है जिसके अंदर इन्होंने लोन लेकर के फंडिंग की है। उस फंडिंग के माध्यम से कुछ 1000 करोड़ का बजट इन्होंने पिछले विगत वर्ष किया था और इस बार भी कल परसों जो बजट आया है उसके अंदर 1200 करोड़ रुपये की स्कीम डिक्लेयर की है जिसके अंदर जो नगर परिषद नगर पालिका क्षेत्र की कुछ चुनिंदा सड़कें हैं उनको नगर परिषद की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराने के लिए एक फंड इन्होंने रिवॉल्विंग फंड लगाया है। इसके तहत जो संगरिया विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर ये मुख्य रूप से संगरिया नगर पालिका क्षेत्र है इसके अंदर 4 करोड़ रुपए की लागत से 6 सड़कों की स्वीकृति विगत वर्ष में दी गई थी। ठीक है, जिनके टेंडर करके वर्तमान में काम चालू है। इसमें से हमने एक सड़क के ऊपर केशवानंद चौक के पास में उस पर सीसी का कार्य पूर्ण कर दिया है, दूसरी सड़क पे कार्य चल रहा है, तीसरी पे आगे सड़क उखाड़ रखी है। हाँ जी, और जो मापदंडों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं आज उसी के तहत हम साइट का निरीक्षण कर रहे थे और इसमें जो भी छोटी मोटी कमियाँ मिली हैं उसके लिए समिति को निर्देश किया है और आम जनता से भी अपील है कि वे कार्य पे गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें, तराई का ध्यान रखें और कार्यों को करने के अंदर जो है वांछित सहयोग जो है क्योंकि पब्लिक दोनों तरफ घर के दोनों तरफ रहती है तो थोड़ी परेशानी जब काम चलता है थोड़े समय के लिए होती है तो जनता से भी अपील है कि इसमें थोड़ा सहयोग रखें, थोड़ा संयम रखें, सहयोग रखें और काम का निरीक्षण रखें भी काम क्वालिटी का निरीक्षण करें कि काम अच्छा हो क्वालिटी का हो, कहीं कोई समस्या हो तो मुझसे तत्काल संपर्क करें। और इसके अलावा जो यहाँ पे मौके पे तराई आदि के अंदर जैसे है कई बार होता है अभी व्यक्तिगत परेशानी होती है मेरे घर के आगे पानी खड़ा है ये है तो उसके लिए थोड़ा संयम रखें और थोड़ा सहयोग करें ताकि इसकी गुणवत्ता जो है मेंटेन की जा सके। तो ये निकट भविष्य में ये अगले मंथ के करीब ये लगभग काम सारे चालू हो जाएंगे इसके अंदर हमारे नहीं काम तो हाँ दो तीन हाँ चल रहे सारे काम एक साथ क्योंकि शहरी क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ जी, एक साथ सारे काम नहीं छेड़ सकते क्योंकि एक साथ में सारे काम चल नहीं सकते और एक साथ में इतना बजट भी पीछे से अवेलेबल नहीं होता है एक साथ के अंदर तो उससे परेशानी भी लोगों की बढ़ती है यदि जारी सड़क को खोद के छोड़ दिया जाए तो हम एक एक करके सड़क टेकअप कर रहे हैं इसके अंदर और उसी हिसाब से समय देखो निर्देशित किया। कुल मिला के ये माना जाए जो राज्य सरकार है राज्य सरकार के इस योजना के अंतर्गत शहर को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है, एक नगर पालिका को एक बजट के अभाव में बड़ा संबल मिलने वाला है तो एक जनता को अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इसके अंदर नगर परिषद नगर पालिका को भी फायदा मिलेगा क्योंकि उनको एक्स्ट्रा फंडिंग मिल रही है और उनकी कुछ मुख्य सड़कें जो हैं जो कि उचित मापदंडों से मतलब जो है जैसे सीसी है हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग में 30 ग्रेड की करते हैं, 6 थिकनेस की करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ इसमें जो नगर पालिका है वो कम ऊंचाई की बनाती है, आप यहाँ ज़्यादा ये मैं आप एक मिनट थोड़ा सा दिखा दूँ। हाँ जी, नगर पालिका जो ज़्यादातर है 4 इंच की सड़कें बनाती है। हाँ जी, हाँ जी, और हम मिनिमम 6 इंच की बनाते हैं तो इसीलिए मुख्य मार्ग बोल करके दिया गया जो मुख्य मार्ग है जिन सड़कों पर कंपेरेटिवली ट्रैफिक ज़्यादा है या इसमें चुनिंदा सर्विसेज ज़्यादा हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज को पार्क को किसी को जोड़ती है जिसमें आवाजाही ज़्यादा रहती है ट्रैफिक की उन सड़कों को ही चयनित किया गया है। नहीं, जैसा मैं यहाँ घूमता रहता हूँ संगरिया देखता हूँ संगरिया की मोस्टली सड़कें सीसी बनी हुई थी, ये 5-6 जो मुख्य रोड रही हुई थी तो इनके होने से मेरे को ऐसा महसूस होता है कि 98% संगरिया की सड़कें सीमेंटेड हो जाएंगी। इस बार भी जो है सड़कें कुछ और भी दी जाएंगी यदि वो तो आगे जो अभी बजट की घोषणा है वो आगे बनेगी। इसमें बजट घोषणा दी गई है उसकी भी लिस्ट बनेगी उसमें भी जो मुख्य सड़कें हैं संबंधित कमेटी जो है उसके मार्फत से जो चयनित होंगी उनका आगे भी काम होगा इसी तरीके से। तो ये शहरवासियों के लिए एक बड़ी सूचना है, बड़ी राहत की खबर है कि शहर के जो मुख्य मार्ग है
और आपको मैं बता दूं, जो अग्रसेन मार्केट की जो रोड है नीची हो रही है वो भी बनेगी, जो जो वेयरहाउस वाली रोड है वो भी बनेगी, और एक बस स्टैंड से नहर की ओर जो रास्ता जाता है वो भी बनेगा। बाकी ये जो एक्सचेंज वाली रोड है ये आधी बन चुकी है, और जो पुलिस थाना को फाटक से जोड़ती है, जो हरियाणा के जो लोग उससे आवागमन करते थे, वो रोड बन चुकी है और उसमें क्यूरिंग वगैरह हो रही है। और एक धारनिया सीमेंट से मंगलम तक है वो रोड, उसका काम अभी चालू कर दिया गया है। तो ये बड़ी एक राहत की शहर के लिए खबर है, और यहाँ पे अधिकारीगण आए हैं, मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों की जो बातें सुन रहे हैं, और जो ठेकेदार को जो संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं।